आज हम लोग सीखेंगे कि लिनोवो थिंकपैड L450 का कीबोर्ड कैसे चेंज किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को बैटरी को रिमूव करना है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद बैटरी जैसे रिमूव होगा तो इसके बैटरी के ठीक नीचे ये देखिए एक दो रबर लगा हुआ है, ठीक है, एक ये देखिए, दोनों रबर को क्या करना है आपको रिमूव कर लेना है। ये रिमूव हो गया, ठीक है। ये दोनों रबर रिमूव करने के बाद हम लोगों को लैपटॉप को सीधा करना है। और देखिए लैपटॉप में आपको दो इस तरह से दिखाया रहेगा, मतलब घाट टाइप का, ठीक है, एक इधर, ठीक है। दोनों को क्या करना है, ऐसे हल्का सा प्रेस पुश करना है, दोनों साइड से पुश कीजिएगा। आपका यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6 पेज है इसके नीचे, ठीक है। वो सारे पेज को क्या करना है आपको खोलना है, ठीक है, 1 by 1 करके, ठीक है। ये पाँचों पेज आपको स्क्रू ड्राइवर से इसको खोलना है और आपका ये कीबोर्ड बिल्कुल आराम से आपको इसको निकाल लेना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ आपका लेनोवो थिंकपैड L450 का कीबोर्ड को कैसे हम लोग रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।